बस 2 मिनट में सिर्फ आधे कप दूध के साथ आप घर पे बना सकते हैं ये लाजवाब टेस्टी ब्रेड चेली रस मलाई। और इससे बच्चों को थोड़ा दूर रखें क्योंकि इसकी लत लग सकती है। आज की अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं, आप वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। हमने लिया है ये क्लस्टर्ड पाउडर का पाउच, इसे कटोरी में काट कर हम निकाल लेंगे जितना हमें ज़रूरत हो, ज़्यादा का ज़रूरत है नहीं। और बस उसमें हल्का दूध डाल देंगे और इसका एक सॉल्यूशन बनाकर रख लेंगे। इसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस ब्रेड जेली रसमलाई में। तो इसके साथ हमने और भी चीज़ें ली हैं, वो भी आपको दिखा दें। ये देखिए, आधा कप दूध हमने लिया है और ये ब्रेड की स्लाइसेस। तो बस इतना कुछ से ही हम रसमलाई बनाने वाले हैं घर पे। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है और इस पर हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे और उसमें हल्का सा देसी घी का यूज़ कर रहे हैं हम। घी को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है कढ़ाई में, उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस को डाल दें आप अच्छे से और थोड़ा घी को सोखने दें ब्रेड के स्लाइसेस इसमें और अच्छे से स्लाइसेस को चला दें जिससे ये चिपके ना। और बस आगे का प्रोसेस चालू करते हैं और इसमें हम हल्का सा दूध डालेंगे। एक बार में दूध ना डालें, हल्का हल्का करके डालें, पहले इतना दूध सोखने दें इसे। तब तक इसमें हम मिठास के लिए हल्का सा चीनी का यूज़ करेंगे और बस दूध को अच्छे से सोखने देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा चलाते हिलाते डुलाते रहें, नहीं तो ये जल सकता है, नीचे चिपक सकता है। और बस जैसे ही दूध हमारा ये सोखे, उसके बाद हल्का सा दूध और ऊपर से हम दे देंगे और इसे भी अच्छे से सोखने देंगे जितना दूध ये सोख ले। और बस दूध ये जब सोख ले अच्छे से, तो इसमें हम अपना क्लस्टर्ड वाला सॉल्यूशन देंगे और इसे भी हम 2 बार में करके डालेंगे और इसे भी अच्छे से सोखने देंगे। थोड़ा ब्रेड आप देख सकते हैं पलटने के चक्कर में क्या हो गया है, तो आप अच्छे से पलटें। बस ये हमने 2 बार डाल दिया है और इसे भी अच्छे से सोखने देंगे। और बहुत लाजवाब है, आप घर पे बना सकते हैं बहुत एकदम कम समय में। ये बहुत लाजवाब सा रसमलाई रेडी हो सकता है घर पे और हर कोई आपसे इसकी ट्रिक पूछेंगे, इतना लाजवाब है। तो बस हमारा ये रेडी हो चुका है, तो गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये देख सकते हैं एकदम ठीक हो चुका है। तो इसे अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो आप अच्छे से ट्रांसफ़र करें। हमने ट्रांसफ़र कर लिया, आप देख सकते हैं अब इसे ऊपर से जेली से हम डेकोरेट कर देंगे। तो बस हमारे ये ब्रेड जेली और रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार ज़रूर आप ये ट्राई करें रेसिपी, आप सही में बोलेंगे कि हाँ यार क्या ही बता दिए, डेली खाने का मन करेगा आपको। बहुत चीप एंड बेस्ट, आप घर पे एंजॉय कर सकते हैं इसे एज ए ब्रेकफास्ट, एज ए स्नैक, आपको जैसा ही मन वैसे खाए, हेल्दी भी और मस्त भी।